खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर और बुरी खबर लखनऊ से आ रही है। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी को आज गोली लगी थी पुलिस की और उस प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। लखनऊ हिंसा में एक की मौत। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, क्या अपडेट इस खबर पर? ये देखिए, बताया जा रहा है हुसैनाबाद में जिस तरीके से बवाल हुआ, उस बवाल में एक मोहम्मद वकील नाम का युवक है जिसकी मौत हुई है और फिलहाल ये साफ नहीं है कि गोली किसकी तरफ से चलाई गई। मैं खुद उस हिंसा के बीच में मौजूद था और वहां दोनों तरफ से गोली चली थी, पुलिस की तरफ से भी चली थी और दंगाइयों की तरफ से भी, अवैध असलहे थे उनके पास, उधर से भी गोलियां चली थी। ऐसे में गोली किसकी थी ये साफ नहीं है, लेकिन मोहम्मद वकील नाम के युवक को घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहाँ ट्रॉमा सेंटर में उनकी मौत हो गई है। बता रहे हैं कि मोहम्मद वकील जो है वो घर से निकले थे शायद कुछ सामान लेने के लिए और उसी वक्त जब गोली चली तो उस गोली लगने की वजह से वो घायल हुए थे और ट्रामा में उनकी मौत हुई है और गोली पेट में लगी है, ये जानकारी हमें आई है। तो फिलहाल लखनऊ में जो आज उपद्रव हुआ उस उपद्रव से अभी तक की सबसे दुखद खबर यही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि फिलहाल गोली कौन चलाया है ये साफ करना बाकी है। जी रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे जो मोहम्मद वकील थे क्या उम्र होगी इनकी? देखिए, युवक है, फिलहाल हम इनकी उम्र पता करने की कोशिश कर रहे हैं, 30 से 35 के बीच में बताई जा रही है और कहाँ इनके घर के लोग कौन हैं, इनकी बाकी पहचान क्या है हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो अभी तक खबर आई है वो यही है कि मोहम्मद वकील उस भीड़ के बीच में आए थे और उसी बीच में गोली चली और गोली पेट में जाकर लगी जिसमें ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर उनकी मौत हो गई है। तो फिलहाल बाकी चीजों के अपडेट के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। जीरो ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखिए, ये दुखद खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। आज मोहम्मद वकील नाम के युवक जो कि घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे और अचानक क्योंकि भीड़ जो प्रदर्शनकारियों की थी वो हिंसक हो गई और दोनों ही तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और भीड़ की तरफ से भी, गोलीबारी एक दूसरे के ऊपर शुरू हो गई। ये गोली अभी तक ये साफ नहीं है कि मोहम्मद वकील को किसकी गोली लगी, पुलिस की लगी या प्रदर्शनकारियों की, लेकिन दुखद खबर ये है कि प्रदर्शनकारियों की इस हिंसक प्रदर्शन में मोहम्मद वकील नाम के एक शख्स की मृत्यु हो गई है। तो सीए के खिलाफ लखनऊ में जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा था डालीगंज इलाके में, वहां एक शख्स की मृत्यु की खबर हमें मिल रही है। ट्रॉमा सेंटर में ये मृत्यु हुई है, मोहम्मद वकील नाम है इनका और ये घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे लेकिन अचानक भीड़ उग्र हो गई और फायरिंग शुरू हो गई और दोनों ही तरफ से पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और भीड़ भी लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रही थी, आगजनी की जा रही थी, तो मोहम्मद वकील को ये गोली लगी।